मसला क्या है? कुछ खास नहीं। सच में? वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सरी बदलो। हाँ, एक सेकंड रुको, अभी मेरे पास समय नहीं है। हाँ, यमादा को कुछ काम है, उसे कुछ अटेंड करना है। अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, किसके लिए तो मैं करूँगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। वैसे क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? समझी मैं, इसके बजाय मैं लंच ब्रेक पर स्विचिंग करूँगी फिर। हाँ, अगर तुम अटोरी सैन को ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ नहीं है। हाँ, तो कहाँ है वो? पता नहीं, नैने सैन को मैंने बहुत समय से देखा नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी, मैंने भी उसके लिए लंच बॉक्स तैयार किया है। अटोरी सैन खुश हो जाएगी। है, क्या तुमने अटोरी कहा? तुम तो यमदा, भागो। हाँ, ये क्या है? ग्रेड्स की रैंक, ग्रेड्स की लिस्ट, ये थोड़ी डरावनी है। है, उस तरफ पुराने स्कूल की बिल्डिंग है। शिराइशी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शरीर बदलो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शरीर बदलते बदलते परेशान हो गए हो? हमें माफ कर दीजिए, रैंक लिस्ट जो हमने बनाई थी वो यमादा ने चुरा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। नहीं, ये लंच बॉक्स है तुम्हारे लिए। मैं इसे बाद में करूंगी, शुक्रिया। हम हैं अडोरी नैने के लाइट गार्ड्स, हमारी वफादारी की कसम लेते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है फिर, एक्सक्यूज मी। अच्छा काम किया। वो सब बेकार है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे पता था कि शिराइशी कल के नकली एग्जाम में एब्सेंट थी। उस मियामुरु को थोड़ी चोट जरूर पहुंची होगी। यमदा दूसरी तरह जितना सोचा था उससे ज्यादा होशियार है। उससे मुझे चिढ़ होती है। क्यों? तुमने यमदा जैसे को किस क्यों किया? अगर तुम उसे यूज करना चाहती हो तो मुझे यूज करो उसकी जगह। वो तुम जेलस क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को खुश करने में क्या बुराई है? उससे बस मियामुरु के फॉलोवर्स कम होंगे ना। लगता है अगर तुम ऐसे ही कहती हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वो लेट है ना? यमदा, ये अजीब नहीं होता कि वो मेरे पीछे पड़कर यहाँ पर मुझे मिलने आए, पर वो यहाँ आया ही नहीं। वो पागल अभी तक समझा नहीं होगा कि वो तुमसे प्यार में पड़ गया है, या फिर यमदा को पता नहीं कि ओल्ड स्कूल बिल्डिंग हमारी छुपने की जगह है। सही कहा, पर वो ऐसा करे और ढूंढे यहाँ तो मेरी चार्म पावर है। ओ, तो वो आने नहीं वाला। यहाँ तक कि हम खुद अपने हाइड आउट से बाहर आए ताकि वो हमें ढूंढ ले। पर क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कभी मेरी चार्म पावर उस पर बिल्कुल काम नहीं करी? क्या ऐसा पहले एक बार भी हुआ है? पर फिर भी वो आया क्यों नहीं? अभी के लिए हमें रुक जाना चाहिए, हमारे अपोनेंट की अगली मूव के लिए। हाँ, एकदम सही कहा। पर मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, मेरा मतलब ये कितना अजीब है। नहीं, कम ऑन। और इसी वजह से मैं पूरे दिन खुद को यमदा के बारे में सोचने से नहीं रुक पा रही। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। है क्या? वो यमदा के बारे में सोच रही थी, चल क्या रहा है? अच्छा, तो तुम्हारी पावर बदल चुकी है। फिर भी मैं खुश हूँ, मुझे पता था कि तुम्हें वो सब परेशान कर रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हें तब ही बोल देना चाहिए था, सॉरी। हे यमदा को, मुझे किस करो। हाँ? क्या तुम इस बारे में बात कर रही हो? क्या तुमने सुना नहीं मुझे? तुम्हें क्या लगता है किस करके क्या होगा? हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। क्यों? पर ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो मेरे साथ प्यार में पड़ने के लिए ओके है?
कुछ भी होने पर मुझे दोष मत देना। क्या हम बदल गए हैं? हम सच में बदल गए हैं, है ना? मुझे पता था, वही हुआ है। क्या? एक्सप्लेन करो, क्या हुआ है? सुनो यमदा को, तुम्हें उड़ोई-सान अब और किस नहीं करनी चाहिए, ओके? अच्छा, ये तो एक सरप्राइज है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? हे ओडोरी, हे। तो आखिरकार यमदा मेरे स्पेल में नहीं पड़ा? ऐसा लगता तो है, पर मुझे मत बोलो तुम। मुझे लगा ही था, क्या इसका मतलब तुम यमदा से प्यार करने लगी हो? क्यों, ऐसी चीज क्यों हुई है? ये तो वैसा ही है कि तुम खुद तुम्हारे शिकार के स्पेल में पड़ गई। मैं सब समझाने जा रही हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हाँ। पहले दूसरे को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की पावर चार्म पावर है, या डोरेसन की पावर है। तुम सही कह रही हो। रुको, तो फिर मेरे पास उडोरी की पावर क्यों है? ये तुम्हारी पावर की वजह से है। पर मेरी पावर तो बॉडी बदलने की थी। नहीं, तुम्हारी पावर है कॉपी करना। क्या? कॉपी? कॉपी का मतलब तुम्हारा मतलब कॉपी को डुप्लीकेट बनाना? हाँ, तुम जिसे भी किस करती हो तुम्हें उसकी पावर मिल जाती है। अगर ऐसा है तो बॉडी स्विचिंग की पावर कहाँ से आई? यमदा को सोचो उसके बारे में। हाँ, याद करो, कौन था पहला व्यक्ति जिससे तुमने बॉडी स्विचिंग की थी? सही कहा, तो ये है मेरी पावर। ये सारा टाइम तुम मेरी पावर को कॉपी कर उसे यूज कर रहे थे। नहीं, पर क्या ये सच में? ये क्या है? यमदा कुत्ते, तूने ओडोरी-सान के साथ क्या किया? तू फिर से? तुम ये क्या कह रहे हो? कोई मेरे बारे में नहीं जानता, कोई मेरे लड़ने से गलत नहीं करता। आखिरकार अब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी पाऊंगा। मैं बदलूंगा। hey, हाँ? तुम यहाँ क्यों हो यमदा? मैं बस बोलूंगा कि तुम्हारे साथ घूमने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जाहिर है कि सारा टाइम मेरे रास्ते में मत आते रहना। हे गाइस, क्या पढ़ रहे हो तुम? मुझे भी मांगा के बुक्स पसंद हैं। क्या है ये, कोई पवित्र भाषा? क्या तुम्हें भी क्लासिक लिटरेचर पसंद है? ठीक है, तो वो लोग गाने सुन रही है, पक्का काम करेगा। तुम्हें क्या लगता है, अंग्रेजी बातचीत समझना बहुत आसान है ना? ये रेनेसेंस के बर्डी के इंप्रेशन बड़े सही है ना? तेरी की यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं दोस्ती कर सकूं। क्या चल रहा है? तुम भी कितना घटिया लगता है। तुम्हारे जैसे कि ये स्कूल में आके भी कुछ नहीं होने वाला है ना? अच्छा बता, कौन रहा है? क्या बोला तूने? क्या? वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, अभी तक पहला दिन ही है। असली मजा तो आने वाला है। जो भी हो, आखिरकार हम साथ में अटकने वाले हैं। यहाँ के लोग तो बड़े ही बुद्धू हैं, है ना? उस चीज का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग हमसे अलग ही दुनिया में रहते हैं। अरे नहीं, क्या हमें 3 साल ऐसे ही बिताना पड़ेगा? देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या? पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन ऐसा ही होने वाला है। ये चीज सही बोला तुमने। तुम्हें क्या हुआ है मैन? तुम उस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों हो? ऊपर से वो तुम थे जो मुझसे दूरी बना रहे थे, और तुम वापस आ रहे हो। चुप! तुम थे वो जिसने पहला जाल बिछाया।
हाँ, कौन सा जाल? अच्छा तो ओडोरी नैने तुमसे प्यार में क्यों पड़ गई? हाँ, अच्छा तो ऐसा हुआ था। तुम कह रही हो यामादा ने ओडोरी की चार्म पावर कॉपी कर ली थी और उस वजह से वो प्यार में पड़ गई। हाँ, चीजें कुछ ऐसी हुई हैं। पर ये इंसान है, अगर ओडोरी को वापस नॉर्मल बनाना है तो उसे बस एक बार और यामादा को किस करना होगा। यामादा एक और बार उसकी पावर कॉपी करेगा और उसका चार्म कैंसिल हो जाएगा। ओ, मैं समझ गया। अच्छा तो तुम अभी तक नहीं समझे थे। ठीक है तो मैं ओडोरी को लेके आता हूँ, तभी सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं। हाँ? मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? हाँ, ये मदद को तुम ऐसा नहीं कर सकते है ना? इन लोगों ने हमारी लाइफ परेशान कर रखी है और अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी। सही कहा तुमने, पर तुम सही बोल रहे हो यामादा, मेरे हर काम के लिए मुझे माफ़ी मांगने दो। और हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल कैंपिंग ट्रिप वाली भी फोटो डिलीट करवा दूंगा, पक्का। मुझ पर विश्वास रखो, मैं उस फोटो को डिलीट करवा दूंगा। तो प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, ओडोरी को वापस नॉर्मल कर दो। किसे फर्क पड़ता है, चलो शिराइशी, इसे कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। ठीक है, हम अडोरी सान को वापस नॉर्मल कर देंगे। तुम बिना मुझसे बात किए ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं मेरा जवाब दे चुकी हूँ ना। तुम खुद से सब क्यों डिसाइड कर रही हो? अडोरी सान हमेशा तुमसे प्यार में रहेगी, क्या तुम्हें ये चलेगा? हाँ चलेगा। तुम्हें पता है वो पूरी लाइफ अनचाहे प्यार में पड़ी रहेगी। पता है। हे, क्या हो सकता है, तुम जल रही हो ना? हाँ, बच्चों जैसी हरकत मत करो। तुम अडोरी सान से गुस्सा नहीं हो, तुम बस योशियो से बदला ले रहे हो। ऐसा नहीं है। तो फिर ओडोरी सान को वापस नॉर्मल कर दो, क्या तुम अपनी जिद पकड़ कर बैठोगे? मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है मैं करता हूँ, ओके। अरे यार, मैं खुश हूँ। अगर वैसा है यहाँ स्कूल के बाद आ जाना। ठीक है। ओ योशियो, क्या तुमने भी ओडोरी को किस किया था? हाँ किया था। फिर तुम पर भी ओडोरी के पावर का असर होगा है ना? क्या तुम ऐसे ही खुश हो? सब ठीक है, मुझे पसंद है जो मैं अभी हूँ। ओए यामादा, वो बच्चे हमारे क्लास के हैं ना? चलेगा। तुम कैसे देख रहे हो? हाँ, तुम हमें गिराना चाहते हो? हाँ, तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? जो हम अभी दिखा देते हैं तुम्हें। हे, अगर यहाँ लड़ाई हुई तो बुरा होगा। फिर मैं यहाँ खड़ा होकर देख नहीं सकता हूँ। बस नहीं कर सकता। वो लोग फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, जिस लड़की को बचाया था वो लड़की यहाँ नहीं है। एक हफ्ते के लिए सस्पेंशन और सिर्फ मुझे पनिश कर रहे हो, यहाँ चल क्या रहा है? तुम अकेले ने कल लड़ाई स्टार्ट कर देती है ना? हाँ, अकेले मैंने? हमारे पास दो गवाह हैं, एक फीमेल स्टूडेंट है हमारे हाई स्कूल की और दूसरा वो जिसके साथ तुम ज्यादा घूमते रहते हो, इगर राशियुशियो। हाँ, ये यामादा है। डरावना, मैंने सुना वो सस्पेंड है। मुझे पता था। ओए योशियो, तो ये है मेरी दर्द भरी कहानी। तो देखा जाए तो ये ओडोरी-सान की गलती है कि सब स्कूल वाले तुमसे नफरत करने लगे हैं ना? बोलो यामादा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ए
एकदम सेम, मुझे भी बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। ये रोने वाले कमेंट्स की जरूरत नहीं। और हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? हम सुपरनेचुरल स्टडी क्लब के मेंबर हैं, हमारा यहाँ होना आम बात है। डोरी मेरी ओपोनेंट है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ये तरीके से बिना कोई देरी के मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगी ना? क्या तुम्हें प्लीज नहीं बोलना चाहिए? तुम्हें क्या हुआ मियामुरु? तुम्हें बस प्रेसिडेंट से दूसरे के वजह से पॉइंट जीतने हैं ना? जो भी हो, अब तुम जान ही चुके हो तो तुम क्या कर सकते हो? अब जैसे भी तुम्हारा मन करे मैं वापस ऐसा नहीं करने वाली। हाँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए। या माता, मुझे नॉर्मल करने के पहले मुझे बात करनी है तुमसे, अकेले में। हाँ, तुम्हें क्या बात करनी है? सच में तुम्हें समझ में नहीं आता एक लड़की कैसे फील करती है? यहाँ सबके सामने किस करना उसके लिए मुश्किल होगा। उर्रा चांद, चलो बाहर चलते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, उसे योद्धा की जरूरत है ना योशियो? वाओ, हम एक्चुअली में उसकी जेलसी देख सकते हैं। तो तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझे क्या नहीं बोलना, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या? हालांकि ये चांद के पावर की वजह से था, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं ना क्लास में ध्यान लगा पाई, स्टूडेंट काउंसिल का काम भी अच्छे से नहीं किया, इतना देर से दुखी बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और जब तुम मिले, तुम शिराइशी को किस क्यों कर रहे थे? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी नॉर्मल कर देता हूँ। तो प्लीज, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे ही रहूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी पावर किसी को इतना ज्यादा खुश कर देगी। हाँ, सब ठीक है, अभी जैसा हूँ मुझे पसंद है। हाँ, ये तुम्हें परेशान करेगा अगर ऐसे ही रही तो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ प्यार में नहीं पड़ सकता। क्यों ये अपने आप को इतना महान और हीरो दिखा रहा है? सब हो गया? हाँ। तो एक केस खत्म हुआ? ये क्या है? सुजुकी हाई स्कूल के सेवन वंडर्स, सुजुकी हाई स्कूल सुपरनेचुरल स्टडी क्लब। तुम्हारे पास सुपरनेचुरल स्टडी क्लब की नोटबुक्स कहाँ से आई? मुझे ये यही मिली। क्या ये लेजेंड विच है? हाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खुद को विचेस बोलते हैं, सुजुकी हाई स्कूल के विचेस जिनके पास अनोखी पावर्स हैं। क्या है ये, देखने तो दो मुझे। सुपरनेचुरल स्टडी क्लब रिसर्च के अनुसार एक विचेस की पावर है। नंबर वन चांद की पावर, नंबर टू टेलीपैथी की पावर, आगे का कंटिन्यू होगा वॉल्यूम टू में। अच्छा, हे वॉल्यूम टू दो मुझे। हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला वो। इसका मतलब हमारे जैसे और भी पावर्स हैं, है ना? ढूंढना होगा उन्हें। हाँ, मुझे और मुसीबत में मत पड़ने दो अब। तुम्हारे बिना उन्हें कैसे ढूंढेंगे? या मतलब तुम हमारे विच डिटेक्टर हो? हाँ, विच डिटेक्टर। ओ चलो भी, तुम ही अकेले हो जिस पर विच की पावर काम नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ, मैं इन सब में पढ़कर तंग हो गया हूँ, समझी तुम? यही वो कारण है, इसीलिए हम ढूंढेंगे उन्हें। यामादाकू, तुमने मेरी दुनिया बदल दी, और सेम अडोरी सान के लिए भी। मुझे लगता है विचेस चाहती है कि तुम उन्हें ढूंढो। अब शिराइशी ने कहा है तो तुम उसे मना नहीं कर सकते हो, है ना? लगता है इससे बचा नहीं जा सकता। आखिर सुपरनेचुरल स्टडी क्लब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका है, हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी? हम साथ में विचेस ढूंढेंगे। सही, मैं हूँ कंफ्यूज विचेस के बारे में। सही, पर मुझे
करना पड़ेगा ये ऑफर। क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम पागलों के साथ मैं रह सकती हूँ और मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मियामुरु क्विट करेगा तो तुम ज्वाइन करोगी? ये बड़ा मतलबी था इटो। फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है। हाँ? जब मैं फाइट का सब कुछ तुम पर ढकेल कर भाग गया था। हाँ? वो सब सही था। मेरा मतलब है ना, हम इस स्कूल में इसी तरह की लाइफ जीने को आए थे, है ना यामादा? हाँ सही कहा।